मिड डे मील स्कीम, आपको मालूम है दोपहर का खाना जो सरकारी स्कूलों में दिया जाता है बच्चों को, इसकी शुरुआत पता है क्यों हुआ? पहली बात ही पता है आपको, इसलिए है क्योंकि बच्चों को प्रलोभित किया जाए और स्कूल तक लाया जाए, बच्चों को ही नहीं बल्कि माँ बाप को भी कन्विंस किया जाए ताकि बच्चों को एक टाइम का खाना वहाँ मिले, अच्छा खाना मिले, जिससे बिहार जैसे राज्य में जहाँ बच्चे कुपोषित बहुत ज़्यादा हैं उन्हें पोषण भी किया जाए, पोषित किया जाए एक टाइम के अच्छे खाना से, और इसके द्वारा एजुकेशन में भी बढ़ोतरी हो, उनका थोड़ा रुझान पढ़ाई के प्रति आए। लेकिन रियलिटी ये है कि बच्चों के अलावा पोषण सबका हो रहा है और कट आपका रहा है, टैक्स। जनता गण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। जी प्रणाम, अभी आप स्क्रीन पे जिस प्राणी को देख रहे हैं उसका नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार का एक और बकलोल एपिसोड। स्कूलों की रिपोर्टिंग ना हम लोगों ने बहुत किया है, लेकिन स्कूल की रिपोर्टिंग के समय कई सारी बात होती है, जैसे कि टीचर टाइम पे आते हैं कि नहीं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उनको जानकारी है कि नहीं, लेकिन एक सवाल कई बार बहुत हद तक मिसिंग रह जाता है, वो है कि मिड डे मील। मिड डे मील में खाना किस तरह का मिलता है, क्या चीज़ें चल रही है, और जिस मकसद के लिए मिड डे मील चल रहा था वो चल भी रहा है कि नहीं, लेकिन आप जानेंगे कैसे, कुछ बताता ही नहीं। और जब आप पूछिएगा और बताते भी हैं तो हेडमास्टरों का ऐसा रवैया होता है और इस तरह की बातें करते हैं, दिल करता है कि उनके साथ बैठ के एकदम बस रो ही दें। अब सुनिए, एक स्कूल की रिपोर्टिंग के दौरान हमने जब मिड डे मील का सवाल पूछा था, प्रॉब्लम हम लोगों की एमडीएम की परेशानी है, 4.90 रुपया 97 पैसा एक बच्चा पर देता है, मात्र 4 रुपया 97 पैसा मात्र एक बच्चे पे देता है। हाँ। समझ गया ना। हाँ। उसमें 10-12% GST काटता है। अच्छा, जिस वेंडर से हम लोग लेते हैं 12% उसमें GST काट लिया, प्लस रिपोर्ट जो जमा हम लोग देते हैं, समझ गया ना, 12% रिपोर्ट में वो लेता है। अब बताइए कि हम लोग मजबूरी एक 12% रिपोर्ट में घुस लेता। हाँ, वो लेता है सर। ये बात आपको सुन के लगा ना कि हाँ यार सच्ची है, कितने लाचार हैं, इन्हें कितना मजबूर किया जा रहा है, सच में इतने पैसे नहीं आ रहे हैं। पर ये पूरा सच नहीं है। हाँ, ये जरूर सच है कि 4.90 रुपये में एक बच्चे का भोजन तो नहीं बन सकता, पोषित और पोषण युक्त तो दूर की बात है, नॉर्मल दाल चावल चोखा नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी कैसे मैनेज्ड है। मैनेज इसलिए है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है, नेता मंत्री ऑफिसर से लेके टीचर सबको पता है, क्योंकि सबका साठगांठ है भैया, सबका खेल मिली भगत से चल रहा है। और खेल क्यों चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अटेंडेंस। बच्चे स्कूल में आ रहे हैं 25, अटेंडेंस बन रहा है 225 का। अब मिड डे मील तो सबका ही जा रहा होगा ना, 225 का अटेंडेंस बना तो, अब इसमें सबका कमीशन है टीचर से लेके BEO तक का, लेकिन ये खेल चल क्यों रहा है, कोई कुछ इस पर क्यों नहीं बोलता, क्योंकि जानकारी ही नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे 25 आए, 50 आए या 225 आए, तो ये आपको पता चलेगा और आपको पता चलना चाहिए। और ऐसे ही पता चलने की वजह से कई बार इनका पोल पट्टी खुलता है, और हमने एक रिपोर्ट चलाई थी एक स्कूल का, जिसमें जिसके बाद में कभी विद्या कसम कभी हमने क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन उस टीचर का सस्पेंड हुआ था। वो टीचर करता क्या था, वो प्राइवेट कोचिंग चलाता था, 11-12 बजे तक आता था स्कूल में, और इसकी जब हमने सवाल पूछा तो भड़क पड़ा। सर चल गए थे कल 11 बजे, सर चल गए थे। हाँ या सर, दिलीप सर 11 बजे नहीं गए थे जी। हाँ। 3 बजे छुट्टी दिए थे ना, छुट्टी बच्चा लोग सब भूखा गया था 11 बजे, तो खाना कहीं बनाए थे, खाना बन बना था, इन लोग फंक्शन बना था कल। नहीं सर, मिड डे मील बना था यहाँ, खाना नहीं बना था सर, नहीं बना था ना, नहीं मिड डे मील नहीं बना था जी। आपको नहीं पता, आप तो रोज रहते हैं स्कूल में। मिड डे मील बना था कैसे, तो बच्चा झूठ बोल रहा है, कल नहीं बना था, खाना नहीं बना था कल। अब जो बनाने वाले अलग हैं, हम थोड़ी ना, आप स्कूल में पत्ते नहीं जाता, बताइए, प्रभारी हम नहीं है, प्रभारी आप नहीं है, लेकिन आप झूठ बोले ना सर। झूठ कहाँ बोले, हमको पता नहीं, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक स्कूल के शिक्षक को ये पत्ते नहीं है कि उसके स्कूल में मिड डे मील बना है कि नहीं। ऐसे ऐसे दिन और सोचिए कि 25 और 225 का खेल तो चल ही रहा अटेंडेंस में, लेकिन साल में कई ऐसे त्यौहार होते हैं जिस दिन टीचर जानबूझ के चाहता है कि बच्चे नहीं आए, जैसे कर्मा हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना बिहार में जो छोटे छोटे त्यौहार हैं जिस पर सरकारी छुट्टी नहीं होती, पर टीचर अपने हिसाब से मिड डे मील बचाने के लिए सिर्फ दोपहर से पहले वो छुट्टी देते हैं घंटे भर बुला के, या फिर बच्चे को कम्युनिकेशन ऐसे करते हैं जिससे वो आए ही ना उस दिन, और यही खेल उस दिन का था।
5 सितंबर को पूरी तरह से स्कूल में मिड डे मील बनी ही नहीं थी, लेकिन अटेंडेंस में ऑनलाइन चघा दिया गया था। और यही खेल हर जगह पे चलता है, आपके यहाँ भी श्योर चल रहा होगा। तो आप इस खेल को समझेंगे कैसे, पता कैसे करेंगे कि क्यों आपके स्कूल में, आपके जो पड़ोस वाला स्कूल में आज कितने बच्चे आए थे और अटेंडेंस कितने का बना, कितने आए थे ये तो आप देख सकते हो, वहाँ रोज पता करवा सकते हो कि 25 आए थे, 50 आए थे, 150 आए थे, लेकिन अटेंडेंस में कितना चढ़ा ये कैसे पता करेंगे। ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको चलना है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जरूरी नहीं है कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है तो मोबाइल स्क्रीन पे भी चलिए, पर हमारे पास है तो चलिए आपको बताते हैं कि वहां कैसे आपको देखना है अपने स्कूल के बारे में। आपको क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाना है, आप खोल लीजिए और मिड डे रिपोर्ट सर्च करना है। आप देख सकते हैं, जूम कर लेता हूं मैं, मिड डे रिपोर्ट यहां पे सर्च करना है, फोन में भी कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से, फोन में ही कीजिए। और यहां पे देख लीजिए दोपहर का खाना, ये कई सारे लिख के आ रहे हैं फील्ड, यहां पे आप चले जाइए सीधा ई सिटीजन पे, और ई सिटीजन पे ये ऑलरेडी है। और यहाँ पे आपको जल्दी से अपना क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेना है, फिर ब्लॉक फिल कर लेना है, जो भी है आपका, मेरा डुमरिया है और अपनी सहूलियत के हिसाब से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस स्कूल के बारे में जानकारी है तो बेटर मैं बता पाऊँगा आपको। और यहाँ पे सर्च कर लेना देवचंडी। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है ये डाल लीजिए और उसके बाद रन करा लीजिए, थोड़ी सी डिले होगी आपकी इंटरनेट कैसी है उसके हिसाब से। चलिए मैं अभी नहीं खोल रहा हूँ इसको, ओपन कर रहा हूँ, या चलिए कर ही लेता हूँ मैं, FFF5K सिक्योरिटी कोड है, इस तरह के सिक्योरिटी कोड आएंगे आपको डालना होगा। और आप देख लीजिए आपके सामने ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है, ये कितने इनरोलमेंट है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। इनरोलमेंट आप देखिए तो 184 यहाँ पे दिखा रहा है और अटेंडेंस 85 है। आपको लग रहा होगा फिर भी ये ठीक है, अच्छा चगाया हुआ है, इसलिए है क्योंकि इस पर कई सारे बातें हो चुकी है और वहाँ पे वो टीचर अब अवेयर हो चुके हैं कि यहाँ के लोग अब इन चीज़ों को जानने लगे हैं बहुत अच्छे से, तो आप भी जानकारी रखिए। तो हमको यकीन है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी और अब आप आसानी से जान पाएंगे कि आपके गांव में जो स्कूल चल रहा है उसके अटेंडेंस कितने लगाए जा रहे हैं। हाँ, अगर 25 के जगह पे आपके यहाँ भी 225 लग रहा है ना, तो स्कूल में जाइए और हेडमास्टर को बात कीजिए, मतलब उनसे बात कीजिए कि ऐसा क्यों, क्यों इतना लगा रहे हो भाई, आपका भी हक है पूछना। और सिर्फ ना ये अगर आपको लगता है कि सिर्फ रिपोर्टर के सवाल पूछने से ये परेशानियाँ दूर होने वाली है, सरकारी स्कूल ठीक होने वाला है, तो नहीं भाई साहब, ऐसे चीज़ों पे जानकारी आपको भी होनी चाहिए और सवाल आप भी पूछिए अपने बच्चों के लिए ताकि स्कूल ठीक हो। बाकी वीडियो कैसी लगी ये उतनी मायने नहीं रखता है, इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन है, लोगों तक पहुंचाइए ताकि अपने अपने यहाँ स्कूलों को अपने लेवल पर भी आप ठीक कर पाएँ। सिर्फ एक रिपोर्टर जाकर वहाँ चिल्लम चिल्ली मचाए तभी स्कूल ठीक नहीं होगा, आपकी भी जिम्मेदारी है। तो देख रहे हैं कहीं से भी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अभी कहाँ देर कर रहे हैं। सच बिहार को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज भी फॉलो कर लीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।